अदर ट्रैक्टरों का अगर रेस देंगे तो वो पीपीए चक्कर बढ़ाएगा। हाँ जी बढ़ाता है तो वो ट्रैक्टर दबाएगा। राम राम किसान भाइयों, आज की वीडियो कुओटा के ऊपर होने वाली है और ये A211M है और ये 21 HP का ट्रैक्टर है। आज मैं जो इसके ओनर हैं एजेंसी के, मैं उनसे भी बात कराऊंगा और जो इंजीनियर हैं उनसे भी बात कराऊंगा कि भाई ये ट्रैक्टर किसान को क्यों लेना चाहिए। अभी मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि ये ट्रैक्टर अदर ट्रैक्टरों से, जो छोटे ट्रैक्टर हैं, मिनी ट्रैक्टर हैं, उनसे बेहतर है। किसान हित का ट्रैक्टर है और जो ट्रेंच की खेती करना चाहते हैं स्पेशली उन्हीं के लिए है ये ट्रैक्टर, और मात्र 21 HP का ट्रैक्टर है। और ये बता रहे हैं अंकल जी कि ये ट्रैक्टर अदर कंपनी के 24 HP ट्रैक्टर को मात दे देगा। और इसकी विड्थ वर्थ सब पूछेंगे उनसे कितनी है। भाइयों मैं एक बार आपका परिचय करवा देता हूँ अंकल जी से और पूछते हैं कि भाई क्यों लेना चाहिए किसान को अदर ट्रैक्टर ना लेके कुओटा का नियो स्टार। तो नमस्कार जी, मेरा नाम अनूप सिंह है और मैं कुओटा का सेल्समैन हूँ। और कुओटा एक ऐसा ट्रैक्टर है जो अन्य कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर इस ट्रैक्टर का तोड़ नहीं कर सकता। अच्छा अंकल जी, आप अभी बता रहे थे जैसे बात हुई कि भाई रूटावेटर पे अदर ट्रैक्टर से कुओटा में एक स्पेशल फंक्शन दे रखा है। हाँ, तो उसके बारे में किसान भाइयों को बताओ कि भाई ऐसा क्या फंक्शन है इसमें। हमारे ट्रैक्टर में फंक्शन ये है कि ये जैसे पीटीओ का गेयर लगाते हैं अपन, तो 1500 गेयर से 1500 चक्करों से रेस आने पर MRPM पर तो 540 रूट वो चक्कर निकालना शुरू करता। हाँ जी, हाँ जी, पीटीओ पे। हाँ, अदर ट्रैक्टरों का अगर रेस देंगे तो वो पीटीओ चक्कर बढ़ाएगा। हाँ जी बढ़ाता है तो वो ट्रैक्टर दबाएगा, डीजल खर्च भी ज़्यादा खाएगा। हमारा ट्रैक्टर जो है वो ट्रैक्टर करीब 2200 चक्करों तक हमारा 540 ही चक्कर निकालेगा, मतलब दबेगा नहीं रूटावेटर पे। दबेगा नहीं। अच्छा, जैसे 21 HP ट्रैक्टर है तो ये कितने HP ट्रैक्टर को मात दे सकता है? जैसा अभी आप बता रहे थे कि भाई ये अपने सेगमेंट से ऊपर भी वर्क करता है। 27 हॉर्स पावर ट्रैक्टर तक कोई सा भी है, 27 उसे पीट देगा रूटावेटर में। अदर इंप्लीमेंट की बात करें उनमें, हाँ रूटावेटर पे पीट देगा। अच्छा ये तो चलो होगी पावर की बात। अंकल जी अगर फ्यूल खर्च की बात करें इसकी, जैसे 21 HP ट्रैक्टर है, जैसे रूटावेटर पे फुल लोड देख के हम चला तो रहे हैं, 1.5 से 2.25 लीटर तेल लेगा घंटे का, और उस टाइम पे वर्क मतलब फील्ड कितना कवर कर लेगा ये? अगर अदर ट्रैक्टर कोई 2.5-3 बीघे जमीन निकालेगा तो ये 4.5 बीघे निकालेगा, मतलब उससे दुगना मान सकते हैं, 1.5 गुना तो मान लो, 1.5 गुना वर्क करेगा फील्ड में और फ्यूल भी कम लेगा, उतना ही फ्यूल कम ले लेगा। अगर इसकी प्राइस की बात कर लें के भाई जैसे 21 HP ट्रैक्टर है तो किस प्राइस के अंदर ये किसान भाइयों को पड़ जाएगा, मिल जाएगा? मतलब ट्रैक्टर की जो MRP है वो 4,56,000 रुपये है। अच्छा जी, हाँ। मतलब 4,56,000 का ये ऑन रोड पड़ जाएगा आपको। हाँ। तो अगर कोई किसान भाई इच्छुक है तो मैं यहाँ धनोरा आया हुआ हूँ दिल्ली वालों के यहाँ, आप यहाँ से इनसे अंकल जी से संपर्क कर सकते हैं और बहुत मुनासिब दामों में आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। और भाई इसका मैं स्पेशली बता दूं, मैंने भी एक जो जगह चलते हुए देखा है ट्रैक्टर, इसका बहुत साइलेंट इंजन है और पावर के मामले में भाई जो किसान भाई थे उन्होंने बताया कि ये 45 क्विंटल गन्ने लेके जुते हुए खेत में को ले जाता है अगर नॉर्मल पर्ची तुलवानी है आपको। और जैसा भी लगा आपको ट्रैक्टर का रिव्यू बताना एक बार, और अगर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार यहाँ पर विजिट ज़रूर करें धनोरा आकर एजेंसी पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।